सर ये तो यही बताएंगे क्योंकि इतने सालों से ये फिल्म रखी थी, मतलब रेडी बनी थी, बट फैमिली डिसाइडेड दैट कि ये फादर की अनफुलफिल्ड ड्रीम थी जो दे वांटेड टू ब्रिंग टू द स्क्रीन, एंड दे आर आई थिंक उनके लिए सक्सेस यही है। यार ये तो कोई यार ये शंकर जी किशन का म्यूजिक है, आप फेविकॉल की बात कर रहे हैं, वो तो वैसे भी म्यूजिक चिपका देने वाला म्यूजिक देते थे। एक इनके फादर की फिल्म जो किसी वजह से उस वक्त रिलीज नहीं हो पाई, और इनके फादर ने जो फिल्में की हैं लव इन शिमला एंड लव इन टोक्यो, ये दो फिल्में जो हैं जो बहुत सक्सेसफुल फिल्में थी, तो उसके बाद ये लव इन बॉम्बे फिल्म बनी है। तो ये इनके उनके बेटों की उनकी फैमिली की ड्रीम थी।